शहरियों को यही मैसेज है जी कि बजाय लाइनों में लाने के लिए बैंकों में जाने के लिए इससे बेहतर है अपने मोबाइल से ऐप से इसको करें, आपका टाइम बचेगा और कुछ भी नहीं। एक तो हमने फ्लैक्स देखी है, उस पर लिखा हुआ है कि आपने वो ये नंबर है, इस नंबर पे चेसी नंबर सेंड करना है, और दूसरा आपके वो पेज पे भी अक्सर हम देखते रहते हैं, उस पर भी बड़ी आगाही मुहिम चलती है, तो वो चेसी नंबर सेंड किया है तो वो हमारे चलान आ गए, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसी वक्त हमने पे कर दिया। सेफ सिटी अथॉरिटी बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट चला रहा है, इससे मुल्क में बहुत सी सेफ्टी आ चुकी है, बड़े रूल्स वाजे हो चुके हैं, मुनज़्ज़म होता जा रहा है, ट्रैफिक हादसात में बहुत कमी आ रही है, बहुत से मामले ठीक हो चुके हैं, और अगर इसी तरह सब मिलकर काम करेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। फिंगर टिप्स भी हो गया, किसी भी गाड़ी का डेटा चेक करना, उसके अगेंस्ट अगर चलान हैं उनको फौरी तौर पर पता चल जाए, तो ये बहुत बड़ी सहूलत है और इसको इनक्रेज करना चाहिए और लोगों को ये ब्रीफ भी करना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू मीडिया, हम लोग भी लोगों को वैसे भी वर्बली भी ब्रीफ करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को वक्त के साथ सारी सबको पता चल जाएगा। नाज़रीन, अक्सर सड़क पर सफ़र करते हुए जाने जाने में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो जाती है और लोगों को ई चलान जारी हो जाता है। अक्सर शहरियों को ये मसला दरपेश है कि उन्हें ई चलान मौसूल नहीं होता या उन्हें ई चलान का पता ही नहीं चलता, तो इस मुश्किल के हल के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने IG पंजाब की हदायत पर एक शॉर्ट मैसेज सर्विस 8815 मुतारिफ करवाई है। उस पर मैसेज करके शहरी बासानी अपने वाजिबुल अदा ई चलान के बारे में जान सकते हैं। ये मैसेज सर्विस कैसे काम करती है और शहरी इस सर्विस के बारे में कितना जानते हैं, आइए शहरियों से ही पूछते हैं। वेलकम टू द पुलिस लॉग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अभी आपको ट्रैफिक वार्डन ने रोका है, वो कह रहे हैं कि आपकी ई चलान है, क्या आपको पता है आपका ई चलान है? सर कोई पता नहीं। तो ये गाड़ी आपके अपने नाम है? मेरे अपने नाम। तो आज तक आपको पता नहीं लग सका आपका एड्रेस नहीं ठीक होगा या कोई इस तरह का कोई इशू है? सर एड्रेस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ई चलान आया होता तो हम क्यों ना जमा करवाते हैं। सर मैं आपको बताता चलूँ कि शहरियों की सहूलत की खातिर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने एक मैसेज सर्विस का आगाज किया है। 8815 पे आपने अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर सेंड करना है, आपको चेसिस नंबर के इवज आपको फौरन पता लग जाएगा कि आपके गाड़ी के कितने ई चलान वाजिबल होता है। आप कर सकते हैं अभी ये? सर प्लीज़ ये मैसेज कीजिएगा। अच्छा ये सिर्फ ई चलान गाड़ियों पे इम्प्लीमेंट है? नहीं नहीं सर, ये गाड़ियों पे नहीं सर, ये तमाम किस्म की जो व्हीकल्स रोड के ऊपर हैं लोगों के ई चलान भी होते हैं। सर काइंडली वो मैसेज कीजिएगा 8815 गाड़ी का चेसिस नंबर। हाँ तो ये रिक्शे वालों पे इंप्लीमेंट करें ना, जो गलत ओवरटेकिंग करते हैं, मोटरसाइकिलों पे इंप्लीमेंट भी करें ना। बिल्कुल सर, ये सब पे इंप्लीमेंट हो रहा है ना, ना सिर्फ बीच में डाला करें। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ। सर आप चेक करने पहले वो चेसिस नंबर सेंड कीजिए। ये मैसेज हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा। ये देखें जी, इनके 6 ई चलान है और इनके वाजिबुल अदा रकम है 2200 रुपया। सर आपके वाजिबुल अदा ई चलान जो आपको नहीं पता लगा हो गए। सर कितने ई चलान निकले आपके? सर 6 ई चलान निकले हैं। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता था, नहीं आए हमारे एड्रेस पे। ठीक है, बड़ी अच्छी सहूलत है। ठीक है सर, क्या अगर ये होता है कि 10-15 हो जाते और आपको रोक लिया जाता, गाड़ी बंद कर देती थी उन्होंने, तो सर ये अच्छी सर्विस है? नहीं, बहुत अच्छी सर्विस है, बड़ी अच्छी। वो क्या मैसेज देंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। तो बता दो ये पे कैसे करना है? सर इसको पे करने का सिंपल तरीका है कि आपने ई पे पंजाब की एप्लीकेशन में जाएं, वहाँ पे व्हीकल वाले पोर्शन में जाएं, वहाँ पे अपनी गाड़ी का अपने नंबर डालना है, आपको एक PS ID मिल जाएगी, उस ID को आप जैस कैश या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन, बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन में उसे आप इंसर्ट करेंगे और आपके ई चलान पे हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी वालेकुम सलाम। सर आपको क्यों रोका इन्होंने? ये है कि ई चलान आए हैं। आपको रिसीव नहीं हुआ आज तक? मुझे कोई रिसीव नहीं हुआ आज तक। क्या वजह? सर ये है कि इनको पता है। अच्छा, क्योंकि हमारा तो ये है कि एड्रेस भी है, ठीक है, और ये है कि लाइसेंस भी बना, उसी पे हर चीज़ बनी हुई है। सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके लिए आसानी ये हो गई है कि आप 8815 अपने मोबाइल से एक 8815 नंबर के ऊपर अपने गाड़ी का चेसिस नंबर सेंड करें, तो आपको पता लग जाएगा अगर आपके ई चलान कितने हैं। आप कर सकते हैं अभी? जी अभी करेंगे सर, करें प्लीज़ ट्राई करें। मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये हमें उन्होंने ये है कि अभी स्लिप दे दी उन्होंने, कोई मसला नहीं है, रसीद आ गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए एक आसानी है ना, आपको नहीं पता लगा आपकी ई चलान है, आप काइंडली अपने मोबाइल से 8815 पर अपने गाड़ी का चेसिस नंबर सेंड कीजिएगा प्लीज़।
किस पे करना है सर? 8815। एक सेकंड मैं वो देख लूँ गाड़ी का चेसिस नंबर। एक सेकंड। एक सेंड कर रहा हूँ उस पर। ठीक है ठीक है। ये है कि मेरे चलान, अब मैं देखता हूँ मेरे कितने चलान हैं इस पर। नाज़रीन, जो हमारे शहरी जिन्हें रोका गया है वो अपनी गाड़ी का नंबर, जो चेसिस नंबर अपनी गाड़ी का, वो 8815 पे मैसेज कर रहे हैं और देखते हैं कि इनकी कितने ये चलान है और क्या इन्हें जो वार्डन ने रोका है क्या सही रोका है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुझे तो आज तक ये चलान वसूल नहीं हुआ, वो उसकी रीज़न भी बता रहे हैं कि उनका एड्रेस नहीं ठीक। तो अभी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सर कितने चलान आए हैं आपके? ये है कि 9 चलान आए हैं। सर स्क्रीन में दिखा सकते हैं? 9 चलान आए हैं मेरे पास ये है। लेकिन ये है कि हमने वो अभी पे करूँगा मैं ये, ठीक है। और ये है कि क्योंकि मेरे वो वाजिब है ये बोले तो मैं ये है कि अभी पे करूँगा ये चलान। सर ये बड़ी अच्छी बात है, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपना एड्रेस एक्साइज में जाके अपडेट करवाएं ताकि नेक्स्ट मेरा एड्रेस सही है, ठीक है। मेरे ये है कि और भी आते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये है कि वो। लेकिन सर आप ये काम कर लें कि नेक्स्ट टाइम जब आप सफर करके घर जाएं तो 8815 पे आप अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर सेंड कर लिया करें, ताकि डेली की आपको डेली का डेली पता लग जाए कि आपसे वायलेशन हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर कभी कोई रोड पे चलते हुए वायलेशन की या हो गई आपसे? वायलेशन देखिए हो जाती है, क्यों गलती हो जाती है, इंसान है, गलती कभी कभी हो जाती है। कभी ई चलान हुआ? ई चलान कभी नहीं हुआ। घर रिसीव नहीं हुआ? हाँ घर रिसीव नहीं हुआ। कभी कोई मैसेज भी नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं आया। तो अभी आपको उन्होंने रोक के उन्होंने बताया आपके ई चलान हुए हैं? जी जी बिल्कुल बताया उन्होंने। तो सर अगर आपको ये लगे कि आप जब यहाँ से ऑफिस जा रहे हैं घर जा रहे हैं आपको शुभ लग जाए कि शायद मुझसे इशारा जंप हो गया, कोई आपके जहन में तरीका आता है कि आप किस तरह पता कर सकते हैं कि आपका ई चलान हो गया कि नहीं हुआ? की तरह से कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया, मतलब कोई तरीका ही नहीं इनका बताने का। चलिए सर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आईजी पंजाब की हदायत पर अब से आपने सिर्फ 8815 पर अपने मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर सेंड करना है। आपको ज़रा सा शुभा लग रहा है कि आपका ई चलान हुआ है, आप सेंड करेंगे आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि आपका ई चलान हुआ है कि नहीं हुआ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 8815 पर अपने गाड़ी का चेसिस नंबर। ठीक हो गया सर? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपको 8815 मैसेज सर्विस का पता है जिस पे चेसिस नंबर सेंड करके ई चलान हासिल करते हैं? बिल्कुल पता है जी। सर कितनी फायदेमंद है? फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है जी। काफी टाइम बचता है, काफी टाइम बचता है इससे। तो आपने कभी उसको इस्तेमाल किया? इस्तेमाल किया, एक दफा किया है। तो सर आपके लिए आसानी हुई है? बिल्कुल बहुत आसानी हुई है। क्या मैसेज देंगे शहरियों को? शहरियों को यही मैसेज है जी कि बजाय लाइनों में लाने के लिए, बैंकों में जाने के लिए, इससे बेहतर अपने मोबाइल से ऐप से इसको करें, आपका टाइम बचेगा और कुछ भी नहीं। मैसेज करें और जो आपको मैसेज करें, हाँ जी हाँ जी, आप ऐप के थ्रू पे करें, ऐप के थ्रू आपको पता लग जाएगा सारा जी। सर थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई सलाम है सर। 8815 मैसेज सर्विस के बारे में आपको कुछ पता है? ये मैंने इसके मतलब न्यूज़ में पढ़ा था, ये सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है, इससे आवाम को जो सी बहुत अच्छी सहूलत मिलेगी नागरिक, ताकि इससे जो भी ई चलान जो से होते हैं उनसे नागरिक वो मुस्तफीद हो सके। नागरिक जो घर में चलान आते हैं वो 8815 पर जो है मैसेज करके नाबली वो इंफॉर्मेशन वगैरह हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन सर्विस है जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर कभी ई चलान हुआ? सर पहले तो होता था तो घर आ जाता था, लेकिन अब ये नया मुतारफ कराया 8815 पे, तो अब मैं वो मैसेज करता हूँ तो फिर मैं चलान मेरा पे हो जाता है। 8815 में क्या मैसेज करते हैं? अपना चेसी नंबर। तो आपको ई चलान रिसीव हो जाते हैं? जी सर। तो मुतमिन है इससे? हाँ, ये बेहतरीन सर्विस है जी, ये इन्होंने अच्छा किया है, ताकि कल को कोई ट्रैफिक वार्डन वाला हमें रोके और दिखाए कि आपका ई चलान हुआ है, उससे बेहतर है हम उसको पे कर दें ताकि हमें कोई इसी टेंशन से बच जाएं। सवारी भी साथ होती है, जल्दी पहुँचना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली होती है किसी, तो अगर कोई एमरजेंसी होती है, लेकिन वो मसला बन जाता है ना, तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही 8815 पे मैसेज करके तो उस ई चलान को पे कर दें, ताकि किसी मुश्किल और टेंशन से बचें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कभी कोई ई चलान हुआ आपका? जी मेरा चलान तो नहीं, अभी फिल वक्त मैं तो रूल्स को फॉलो करता हूँ। अभी हमारे एक जानने वाले की गाड़ी थी, उसको रोका है तो उसके हमने चेक किया है, उसके चलान हुए, तो वो चेक करने के लिए हमें बड़ा आसान से, एक तो हमने फ्लैक्स देखी है, उस पर लिखा हुआ है कि आपने वो ये नंबर है, इस नंबर पर चेसी नंबर सेंड करना है, और दूसरा आपके वो पेज पर भी अक्सर हम देखते रहते हैं, उस पर भी बड़ी आगाही मुहिम चलती है, तो वो चेसी नंबर सेंड किया है
तो वो हमारे चलान आ गए, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसी वक्त हमने पे कर दिया। बड़े आसान सा मामला है मेरी, मुझे तो शायद पता हो लेकिन आसानी के लिए बताइएगा देखने वालों के लिए कि किस नंबर पे अपने गाड़ी का मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर सेंड करना। 8815 पे हमने चेसिस नंबर मैसेज किया उसी वक्त हमारी डिटेल सामने आ गई और उसके एप्लीकेशन से हमने पे कर दिया। बिल्कुल आसान सा मामला है, कोई इस पे कोई एमए लड़का होगा वही पे करेगा, नहीं आप जो जर्नल यूज़र है मोबाइल थोड़ा बहुत जला सकता है वो आसानी से इसको पे कर लेता है। ये बहुत अच्छा मामला है, इस तरह गाड़ी भी सेफ रहती है, ड्राइवर भी सेफ रहता है और हमें किसी जगह पे बार बार फैमिली के साथ या रुक कर किसी मुश्किल का सामना नहीं करना चाहिए। तो इस तरह मैं अपने सारे वकला भाई जो भी हमारी बरादरी है जहाँ हमारे जो पढ़ा लिखा तबका, हम उसको भी यही कहेंगे कि अगर किसी तरह का कोई चलान होता है तो उसको अदा कर दें, क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटी बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट चला रहा है, इससे मुल्क में बहुत सी सेफ्टी आ चुकी है, बड़े रूल्स वाजे हो चुके हैं, मुनज़्ज़म होता जा रहा है, ट्रैफिक हादसा में बहुत कमी आ रही है, बहुत से मामले ठीक हो चुके हैं और अगर इसी तरह सब मिलकर काम करेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, आपका तल्लुक सेफ सिटी के ई चलान स्क्वाड से है, उनसे पूछते हैं कि जब वो रोड पे लोगों को रोकते हैं कि आपके इतने ई चलान हैं, आपकी व्हीकल के इतने वायलेशन हैं, तो उनको क्या मुश्किल पेश आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या मुश्किल पेश आती हैं जब आप लोगों को रोकते हैं, उनको बताते हैं कि आपके इतने ई चलान हैं? अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ना इल्म नहीं होता कि उनके चलान हुए हुए हैं, वो कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो लोगों के नाम नहीं होती और उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड जो गाड़ी होती है जिसके नाम पर उसी एड्रेस पर वो चलान डिलीवर होता है। तो फिर लोगों को हम ये इसका हल बताते हैं कि वो 8815 एक एप्लीकेशन है, 8815 पे मैसेज करें अपना चेसिस नंबर, टेक्स्ट मैसेज करें तो उसमें डिटेल आ जाएगी चलान की कि आपके कितने चलान हैं, तो वो आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, आप उनको उनके प्रिंट लेकर बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा सकते हैं, तो हम उनको मुतमिन करके भेजते हैं कि इसको किस तरह जमा करवाया जा सकता है अगर उनके इल्म में नहीं है। सर, शहरियों की तरफ से क्या फीडबैक आता है जब आप उन्हें एक सिंपल मैसेज सर्विस के ऊपर गाड़ी का चेसिस नंबर सेंड करते हैं, क्या उनकी तरफ से फीडबैक आता है? वो बड़ी खुश होते हैं इस बात पे कि ये बड़ा देखे ना फिंगर टिप्स पे हो गया है, किसी भी गाड़ी का डेटा चेक करना, उसके अगेंस्ट अगर चलान्स हैं उनको फौरी तौर पे पता चल जाए, तो ये बहुत बड़ी सहूलत है और इसको इनक्रेज करना चाहिए और लोगों को ये ब्रीफ भी करना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू मीडिया, हम लोग भी लोगों को वैसे भी वर्बली भी ब्रीफ करते हैं, इंशाल्लाह ताला लोगों को वक्त के साथ सारी सबको पता चल जाएगा। कानून से लाइल्म होना कानून की खिलाफ वर्जी पर आपको सजा से नहीं बचा सकता। गाड़ी आपके नाम पर हो, बैंक के नाम पर हो, लीज पर हो, उठाइए अपना मोबाइल 8815 पर अपने गाड़ी का चेसिस नंबर सेंड कीजिए और अपने वाजिबुल अदा ई चलान के बारे में फौरन जानिए। सेफ रहें सेफ सिटी के साथ, मुझे उमर बख्त को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।